11 जनवरी देश का मौसम। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपको दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट कि मौसम विभाग का क्या बड़ा अपडेट है, चलिए जान लेते हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन से दबाएं जिससे अपडेट रहे आप देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों देश भर में फिलहाल कैसा बना हुआ है मौसमी सिस्टम। दोस्तों अरब सागर के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इस सिस्टम से उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश तक एक टर्फ रेखा बनी हुई है। इसी मौसमी सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश का मौसम अभी दो चार दिनों से बिगड़ा हुआ है और आने वाले 48 घंटों तक बिगड़ा रहेगा। और एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र श्रीलंका और इससे सटे भागों पर बना हुआ है और बांग्लादेश और इससे सटे भागों पर भी चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। बात करें दोस्तों पिछले 24 घंटों के मौसम की, तो पिछले 24 घंटों के दौरान हवाओं का प्रभाव बढ़ा है जिसके चलते पंजाब और राजस्थान के हिस्सों में अधिकतम तापमान में व्यापक कमी आई है और कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। यानी दोस्तों फिर से जो है मौसम ने करवट ली है और देश में अधिकांश क्षेत्रों में ठंड बढ़ने वाली है। आपके क्षेत्रों में ठंड कैसी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में दिनों रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री गिरावट आई है। केरल और तमिलनाडु में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई है। वहीं तटीय कर्नाटक उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि मराठवाड़ा और अंडमान व निकोबार द्वीपों में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश के हिस्सों में छिटपुट बारिश देखी गई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, जम्मू क्षेत्र, ओडिशा, असम और मेघालय के हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। आप बात करें आने वाले 24 घंटों की, तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान जो है मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है और तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावनाएं भी बन रही है। तमिलनाडु के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। वहीं पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ लक्षद्वीप हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों में दिनों रात के तापमान में गिरावट आने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। तो इस प्रकार से है दोस्तों आने वाले 24 से 48 घंटे का मौसम। वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग चांस लेटेस्ट अपडेट को बढ़ सके देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट।